महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर अनेक कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में पत्र सूचना कार्यालय और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें महात्मा गांधी के सामाजिक सरोकारों पर वक्ताओं ने विचार रखे। राजधानी स्थित पत्र सूचना कार्यालय में महात्मा गांधी और सामाजिक सरोकार विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के सामाजिक सरोकार के लिए दिए गए योगदानों पर वक्ताओं ने चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक विजय बहादुर सिंह, जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरी, मध्य प्रदेश माध्यम के प्रमुख पुष्पेंद्र पाल सिंह, पत्र सूचना कार्यालय के संयुक्त निदेशक अखिल नामदेव सहित प्रसार भारती और सूचना प्रसारण मंत्रालय के कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी एक विलक्षण पुरुष थे। उन्होंने स्वच्छता के समग्र सोपानों को अपने जीवन में न सिर्फ उतारा बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने हिंसा के रास्ते पर ना चलकर अहिंसा के सहारे देश को आज़ादी दिलाई। इस दौरान वक्ताओं ने गांधी जी के स्वदेशी, सत्याग्रह, खादी, नमक तोड़ो सहित कई आंदोलनों का उल्लेख करते हुए उनके सामाजिक सरोकारों को चित्रित किया। तो हम सबके जीवन में ये पल महत्वपूर्ण है और खास तौर पर जब 150वीं जयंती हम मना रहे हैं और अभी हम फोटो इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि हमारे सबके जीवन में, हमारा सबका जीवन गांधी जी के बिना अधूरा है। ऐसा कोई है जो हम लोगों में से जिन्होंने गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ा है, या फिर ऐसा कोई है कम से कम भारतवर्ष में? मैं इत्तेफाक से अभी 19-20 साल की मेरी नौकरी हो गई है, मैं लगभग 12-15 देशों में गया हूँ, और जहाँ कहीं पे भी हम जिक्र करते हैं कि हम भारत से आए हैं, इंडिया से आए हैं, तो लोग यही पूछते हैं कि अच्छा आप गांधी जी के लैंड से आए हैं क्या? तो हमारा जो परिचय है भारतवर्ष के बाहर वो यही है कि हम जहाँ गांधी चले थे, जहाँ गांधी जिए थे, जहाँ गांधी जी के पैर पड़े थे, वो जमीन है जहां से हम निकले हुए हैं। पत्रकार ने से पूछा था, और एक बात और आपको बता दूं कि गांधी जी इतनी अच्छी अंग्रेजी जानते थे जितनी अच्छी अंग्रेजी नेहरू को नहीं आती थी, क्योंकि कांग्रेस के जमाने के सारी ड्राफ्टिंग थी वो गांधी जी फाइनल करते थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रिटोरिया का गवर्नर था वो गांधी जी का पत्र पढ़ते ही अपनी सहजता खो बैठता था कि इस आदमी ने पता नहीं कैसे अंग्रेजी में किस तरीके से लिखा होगा कि मैं इसमें फंस न जाऊं। इसलिए ऐसा नहीं था कि गांधी जी अपनी भाषा की तरफ ही लौटे थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, वो बैरिस्ट्री कर रहे थे वहाँ, उससे आप अंदाज सकते हैं कि उनकी अंग्रेजी कैसी रही। नेहरू की अपनी अंग्रेजी थी, वो बहुत पोएटिक थी, लेकिन गांधी जी की अंग्रेजी थी वो बहुत पॉलिटिकल थी, डिप्लोमेटिक थी, बहुत राजनीतिक थी। उस स्थिति में गांधी जी लौट रहे हैं गुजराती की तरफ, हिंदी की तरफ, मातृभाषा उनकी गुजराती है और बात वो हिंदी की कर रहे हैं।